नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार वर्मा वसंत महिला महाविद्यालय राजघाट वाराणसी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष सितार ऑनर्स सिक्स्थ सेमेस्टर की छात्राओं के लिए धमार ताल का परिचय और उसमें ठा तथा दुगुण तिगुण और चौगुण की लयकारी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले धमार ताल का परिचय। धमार ताल में कुल 14 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 5 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4 मात्राएं होती हैं। इस ताल के पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर ताली तथा 8वीं मात्रा पर खाली होती है। और इस ताल की प्रमुख विशेषता है कि यह ताल ध्रुपद शैली के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है और इसे पखावज अवनद्य वाद्य पर बजाया जाता है। तो सबसे पहले आप धमार ताल का ठेका देखेंगे कैसे है। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ई ट ता आ। तो ये धमार ताल का ठेका है। अब जब हमें इसमें दुगुण तिगुण और चौगुण की लयकारी बोलनी है तो शुरू से ही हम लय को धीमा रखेंगे जिससे कि हमें तिगुण और चौगुण की लयकारी बोलने में आसानी होगी। क धी ट धी ट धा आ ग ती ट ती ट ता आ। क धी ट धी ट धा अ ग ती ट ती ट ता आ। क धी ट धा अ ग ती ट ता आ। अ धी ट धा अ ग ती ट ता आ। क धी ट धा अ ग ती ट ता आ। क धी ट धी ट धा अ ग ती ट ता आ। अ धी ट धी ट धा अ ग ती ट ता आ। क धी ट धा अ ग ती ट ता आ। क धी ट धी ट धा अ ग ती ट ता आ। क धी ट धा अ ग ती ट ता आ क। तो इस प्रकार से आपने देखा ये धमार ताल में उसकी ठा और दुगुण तिगुण और चौगुण की लयकारी किस प्रकार से बोली जाएगी। आप इस वीडियो के माध्यम से इसे सुने, मनन करें और फिर स्वयं उसको ताली खाली देकर के बोलने का प्रयास करें। धन्यवाद।